कभी ये एकांत में समय निकाल कर बैठिए, कलम डायरी लीजिए और निष्पक्ष हो करके निर्भयता के साथ में लिखिए कि मेरे में कौन कौन सी आदत है। दो कालम बना लो, ऊपर अपना नाम डाल लो, जो भी आपका नाम हो, आप जानते हैं आपका क्या नाम है, चंदू भाई पटेल डाल दो, जो भी नाम हो वो लिखो। फिर नीचे एक तरफ अच्छी आदत, दूसरी तरफ कालम बनाओ बुरी आदत, और फिर उसमें लिखो और लिख करके फिर पढ़ो, और पढ़ करके फिर सोचो, और सोच करके तुम पत्नी से पूछो और वो लिस्ट दिखाओ, ये मेरा हाल है। बड़ी भारी बात है। जिस दिन तुम अपने अच्छी आदतों और गलत आदतों की लिस्ट तैयार करोगे, उसी दिन तुमको एक विचार आएगा, तुम्हारे भीतर एक सोच आएगी, तुम्हारे अंदर एक चिंतन पैदा होगा कि अरे इतनी लंबी जिंदगी बीत गई और इतनी आदत हमारे अंदर खराब है, मैं क्या इन आदतों को दूर नहीं कर सकता हूं, क्या मैं इतना कायर हूं, कमजोर हूं, क्या मैं इन्हीं आदतों का गुलाम बना रहूंगा जीवन भर, क्या इतनी छोटी छोटी आदतें हम जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को कमजोर कर रही हैं, हम इतना ऊंचे उठने योग्य थे, छोटा सा पंचर गाड़ी को वहीं खड़ी कर देता है, तो इस पंचर को क्या हम ठीक नहीं कर सकते हैं, अगर ठीक कर सकते हैं, हवा डाल सकते हैं, तो फिर से ये गाड़ी को बहुत दूर मंजिल पर पहुंचा सकती है। याद रखना, गलत आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, अच्छी आदत ऐसे है जैसे तुम्हारी गाड़ी के टायर ट्यूब कंप्लीट है और तुमको मंजिल पर पहुंचा देता है। और मनुष्य एक है, इसमें आदतें अनेक है, बहुत सी आदतें है। शैतानी करने की आदत, दूसरे को चक्कर में फंसा देने की आदत, दूसरे को डिस्टर्ब करने की आदत। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में बैठा भजन कर रहा था, माला फेर रहा था, श्री राम श्री राम श्री राम, कोई श्री राम भी कहे तो अपन क्या परेशानी, करने तो श्री राम। ट्रेन के डिब्बे में कोई नहीं था, पूरा डिब्बा खाली था। अगली स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उस बूढ़े आदमी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि अकेला हूँ, डिब्बे में शांति है, भजन चल रहा है, ट्रेन चल रही है, श्री राम हो रहा है, अपना काम भी हो रहा है। लेकिन अगली स्टेशन पर 10-12 स्टूडेंट्स उस डिब्बे में प्रवेश कर गए, विद्यार्थी थे, वे सब शैतानी करने लगे, हल्ला मचाने लगे, शोरगुल करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे। उस बुढ़े ने मना किया कि मान जाओ, चुप रहो, शांत रहो, हमको भजन करने दो, बाधा मत डालो। याद रखना, तुम अगर भजन न कर पाओ तो उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन यदि कोई भजन कर रहा है उसको भजन भी न करने दो तो महापाप लग जाता है। तुम साधु न बन पाओ तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन कोई साधु बना है उसको तुम दुख दो तो ये महापाप लग जाता है। तुम सत्संग न करा पाओ तो ना तो पाप है न पुण्य है, लेकिन कोई सत्संग करा रहा है उसमें अगर डिस्टर्ब करोगे, टांग खींचोगे, उपद्रव मचाओगे तो तुम महापाप के भागीदार बन जाओगे। उसमें यदि मदद करोगे, भोजन बनवाओगे, परोसोगे, सबको खिलाओगे, बिछौना बिछाओगे, फूलमाला लेकर खड़े हो जाओगे, आरती बनाकर लाओगे और उसी में ताली बजाओगे तो तुमको भी 1% पुण्य फ्री में मिल जाएगा। अच्छा काम करना चाहिए, और ना कर सको तो जो अच्छा कर रहे हैं उनको बाधा मत डालो, करने दो। तो विद्यार्थी स्टूडेंट थे, नौजवान थे, हुल्लड़ मचाने लगे, धमाल करने लगे। तो उस बूढ़े ने सोचा कि संसार में शांति से जीना भी कठिन है, वास्तव में कठिन है। तुम अपने घर में शांति से नहीं जी पाते, तुम शांति से जीना चाहो तो तुम्हारी पत्नी कुछ अंग्रेजी बोलती रहती है, गुजराती तो आती नहीं है, इंग्लिश में बात कर रही है, तुम्हारे होश उड़ गए कि ये भाषा समझ में नहीं आ रही।
कितने पति लोग तो रोज बेहोश हो जाते, उनकी हालत खराब, पसीना निकल जाता है कि कौन लैंग्वेज बोल रही है। पत्नी भी ठीक है तो बेटा बेटी ऐसे है जो न जाने क्या क्या उपद्रव मचाते रहते हैं, पिता को भी शांत रहने नहीं देते। कभी बेटा भी ठीक है तो बाप ऐसा उपद्रवी है, दारू पीकर आता है और राजस्थानी भाषा बोलता है, उड़ोड़ो समझ उसको भी मजा आ गया। ये बहुत खतरनाक है, घर में एक आदमी भी अगर गड़बड़ है तो घर के 10 सदस्यों को शांति से रहने नहीं देगा। तो वो बुढ़ा आदमी भजन कर रहा था, बड़ी प्यारी कथा है। तो उसको डिस्टर्ब किया उन विद्यार्थियों ने, और ये प्रकृति का नियम है, जो किसी को डिस्टर्ब करता है वो स्वयं डिस्टर्ब हो जाता है, जो किसी को दुखी करता है वो स्वयं महादुखी हो जाता है, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है उसकी कुदरत हानि कर देती है, और जो दूसरों को रास्ता बंद कर देता है उसका लोक परलोक में रास्ता बंद हो जाता है। तो दूसरों की रोटी छीन लेता है उसकी भूख छीन जाती है, दूसरों का जो बिस्तर छीन लेता है तो उसकी नींद छीन जाती है। याद रखना, इसलिए जो बहुत बड़े बड़े नेता होते ना, नहीं तो इनको भूख लगती न नींद लगती, क्योंकि इन्होंने बिस्तर भी छीना है और दूसरों का भोजन भी छीन लिया है, इसलिए इनकी नींद और भूख छीन गई है। मत खाओ, ऐसे घूमते रहो तुम। बहुत परेशान है, अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ, बहुत से नेताओं की नींद उड़ गई है, बेहोश पड़े हैं दिल्ली में, कोई बेहोश पड़ा भोपाल में, कोई जयपुर में पराजय में पड़ा है, और कोई खौफ हंस रहा हुल्लड़ मचा रहा है, अपने सीने को ही ठोक रहा ढोल बना के, जय हो जीत गए हम। और 15 साल तक खूब वो भी बेहोश पड़ा था, और ये 5 साल ठोक ले सीना, उसके बाद इसकी पीठ भी ठोक जाएगी, क्योंकि जनता ज्यादा दिन ढो नहीं सकती किसी को, 5 साल ढोले वो बहुत, 15 साल ढो लिया इतना बहुत, अब फिर नया मॉडल कुछ रखना चाहते वजन, इसको हटाओ दूसरा लाओ, और दूसरा भी मॉडल बदल जाएगा लेकिन आदत सब वही है, भैंस बदल जाएगी पर पूंछ तो उसी ढंग की लगी। तो इसलिए मामला तो वही का वही रहेगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। बहुत सब गंभीर हो रहे थे, मायूस हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हिला दूं, झकझोर दूं आपको। हिल जाओ, हंस लो आनंद से। तो उन विद्यार्थियों ने आपस में सलाह किया कि बैकुम मारूं, जंजीर खींचूं, चेन पुलिंग करूं, ट्रेन रोक कर देखूं रुकती है कि नहीं रुकती है। तो एक विद्यार्थी ने कहा ट्रेन रोकोगे तो जुर्माना 500 देना पड़ेगा लिखा है। बोले दे दूंगा, फर्क क्या है? बोले या 3 महीने की जेल। बोले जेल नहीं जाऊंगा, केवल जुर्माना दूंगा। सब विद्यार्थी रुपये इकट्ठे करो, 100-100 रुपये इकट्ठा किया, 12 विद्यार्थी थे, 1200 इकट्ठे हो गए। बोले ठीक है, आने दो टीटी को, खींचूंगा चैन। जो चैन खींचने चले तो उस बूढ़े ने कहा ट्रेन रोकोगे टाइम लॉस होगा, किसी को ऑफिस जाना है, मीटिंग में जाना है, किसी को आवश्यकता में जाना है, इसलिए क्यों रोकोगे इसको? बोले तुम चुप रहो, बूढ़े आदमी दिमाग भी बूढ़ा हो गया, तुम्हें क्या पता। चैन खींचा, ट्रेन रुकी, टीटी तुरंत उस डिब्बे में आया। बोला किसने चैन खींचा? तो विद्यार्थी बड़े होशियार थे, बोले इस बात से भी बच निकलो, बोले इस बूढ़े आदमी ने चैन खींचा, इसने ट्रेन रोका। तो बुढ़ा आदमी फंस गया बेचारा, बोला ये तो भजन असली हो गया, जेल भी जाना पड़ेगा, अपने पास पैसे भी नहीं थे। तो बुढ़े ने भी दिमाग लगाया और आया वो टीटी, बोले आप बूढ़े हो गए, इतना भजन करते हो, माला फेरते हो, चैन खींचते हो, ये गाड़ी रोकते हो, ट्रेन क्यों खींचा बाबा तुमने, क्या आवश्यकता थी? बोले विशेष आवश्यकता थी। बोले क्या? बोले ये 12 विद्यार्थी ये बहुत शैतान है, इन्होंने जबरदस्ती हमारे रुपये छीन लिए हैं 1200।
और इस वाले लड़के के जेब में 1200 रुपये है। बोले दिखाओ जेब, देखा तो निकाला उसमें 1200 निकले। बोले दो इस बाबा को, तो उस बुढ़े बाबा को 1200 रुपये दिया। उसने कहा ठीक है। और टीटी ने पुलिस बुलाया, कहा इनको बारहों को जेल ले चलो, यहाँ लूटपाट करते डिब्बे में। जब पुलिस घसीट कर उनको जेल ले जा रही थी तो उस बूढ़े आदमी ने दाढ़ी पर हाथ फिराया और कहा ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तुम जैसे को जेल भेजना जानता हूं। डिस्टर्ब करते हो शैतानी, तो इस शैतानी का फल इतना खराब होता है। इसलिए कभी को किसी को डिस्टर्ब मत करना। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो, बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो, और बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो, और बिना बुलाए पर घर जाना मान नहीं चाहे जा देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है हो, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने उनके जाकर घर देखो। इधर महिलाओं के समझ में आ रही मेरी भाषा कि नहीं? सरल हिंदी बोल रहा हूं कि गुजराती बोलो? हैं? तमारु नाम शू छे? गेड़े था जावा मटे रस्तो कोड़ छे? बस ये दो चार बातें बोल पाऊंगा, आगे चुप मामला। हिंदी समझ रही ना? दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो। किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। एक हाथ ताली नहीं बाजे हो, हाथ ताली नहीं बाजे, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो, ना मानो तो बजा देखो। बिना भूख भोजन नहीं भावे हो, बिना भूख भोजन नहीं भावे, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो, ना मानो तो खा देखो। बिना मौत मरता नहीं कोई, बिना मौत मरता नहीं कोई, ना मानो तो मर देखो, ना मानो तो मर देखो, ना मानो तो मर देखो, मर देखो पर यहाँ मत मर के देखो घर में। बिना बुलाए पर घर जाना हो, बिना बुलाए पर घर जाना, मान नहीं चाहे जा देखो, मान नहीं चाहे जा। जोर से गाइए, ताली बजाइए। मान नहीं चाहे जा देखो, 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 मान
नहीं चाहे जा देखो, मान नहीं चाहे जा देखो, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो, किया दगा है जिन लोगों ने, किया दगा है जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो, ना मानो तो कर देखो, ना मानो तो कर देखो।